हाँ तो भाई ये वही क्यूट नूव है। पहले तो मुझे लगा कि भाई ऑफलाइन बंदा, लेकिन एकदम से उठ खड़ा होता है। उसके बाद देखो भाई इसकी हरकत है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े होंगे। तो गाइस आज उतरे थे अपार्टमेंट में और यहाँ पर मेरे पीछे पीछे कुछ बंदे उतरे थे, जिनमें से भाई एक बंदा यहाँ पर मेरे आगे वाले अपार्टमेंट में होता है। तो देखो उसको यहाँ पर पेलने की कोशिश करता हूँ। अब भैया जी को बुरा लग जाता है तो बैकफायर देते हैं। अब ये बड़ी देर से ऐसी मंडरा रहा होता है लेकिन पकड़ में आ नहीं रहा होता। तो यहाँ पर मेरे को आग की बोतल मिली होती है तो आग की बोतल आगे की तरफ फेंक देता और बंदा यहाँ पर जल भी जाता है। और देखो यहाँ पर इसको फिर कैसे पकड़ते हैं। भाई के पूरे तन बदन में आग लगा करके हमने इसको यहाँ पर नॉकआउट कर दिया, लेकिन अफसोस के साथ वहाँ पर शायद कोई होगा जो इसको रिवाइव दे देता है। अब भाई एक और बंदा होता है जो कि शायद इसको रिवाइव देने जा रहा होता, वो भी, लेकिन उसको पकड़ लेता हूँ, पेटी बनाता हूँ, मामला खत्म। और उसके बाद यहाँ पर भाई मेरे पास बैग और हेलमेट, यहाँ पर आप देख रहे हो यार कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं लूटने में लग जाता हूँ, सोचता हूँ कि भाई पहले लूट लेता और उसके बाद इनके ऊपर अच्छे से थोड़ा धावा बोलेंगे। लेकिन इतने में एक बग्गी वाला आ जाता और भाई मेरे आंखों के सामने दो किल लपेट जाता। देखो यहाँ पर तुम, आंखों के सामने धुआं निकाल दिया। अब कोशिश तो करता हूँ लेकिन यार ये नॉकआउट होकर के नहीं देता। तो इसके बाद यहाँ पर मेरे पास नेड होता है और ये आगे वाले कमरे में मुझे दिख भी रहा होता, तो मैं सोचता हूँ भाई कोशिश करते हैं एक बार। तो देखो फिर उसके बाद क्या होता है। अब इस पे फोकस मत करो कि भाई नेड से कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पीछे से एक बंदा ऊपर की तरफ आ रहा था। तो हमने भी कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा, नॉकआउट करता हूँ। कैरी मिनाटी का ऑप्शन आता है, मेरा मतलब कैरी का ऑप्शन आता है, तो इसको उठा करके दूसरे वाले कमरे में छोड़ देता हूँ चारा बना करके, क्योंकि इसके एक और बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे जो कि शायद कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि भाई वो ऊपर नहीं आ रहा था और बार बार नीचे से फायरिंग ही दे जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब भाई को लगता कि भाई अब मैं कॉन्फिडेंट हो चुका और मैं ऊपर आ सकता हूँ, तो भाई ऊपर आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो फिर क्या होता है। अब इतना प्री फायर दिया लेकिन बंदा सामने आकर के नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर यह कनाटा वनाटा की क्या साइट लगी होती है, इसको मैं जल्दी से निकाल के फेंकता हूँ। और भाई बंदे के पास डीबीएस, अब यहाँ पर सही मौके पे लेट गया वरना यह डीबीएस से मुझे हमेशा के लिए लेटा देता। और इतने में यहाँ पर आग की बोतल भी फेंकता है कोई, वैसे तो ये आग की बोतल उस बग्घे वाले ने फेंके मुझे पता है। अभी शिकार पे बंदी हुई बकरी को भी यहाँ पर खत्म करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे से फुटस्टेप आते हैं, जा करके देखता हूँ तो बॉट है, लेकिन जैसे ही बॉट को फिनिश करता हूँ तो वो बग्गी वाला बंदा अंदर की तरफ आता है, उसके फुटस्टेप मुझे आ जाते हैं घुसने के, फिनिश करता हूँ। अब फिनिश करने के बाद भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर सारा मामला खत्म हो गया। खैर यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया था, अब भाई टाइम लगे भी क्यों ना, क्योंकि यार भाई ये लोग कैंपिंग करके बैठे थे, ऊपर से यहाँ पर मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, अगर ऐसे घुस जाऊँगा ना तो ये लोग भाई कप पेटी बना देंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो खैर यहाँ पर भाई मुझे तो लगता है कि सारा मामला खत्म हो गया। लेकिन जब मैं पेटी लूट रहा था ना, तो भाई जिस साइड उस बग्घी वाले ने बग्घी रोकी थी ना, वहाँ पर भाई दो बंदे और थे। तो देखो आगे फिर क्या होता है। पकड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन अफसोस के साथ ये बच के निकल जाता। तो इसके बाद यार मैंने सोचा ड्रामे करने से बढ़िया सीधा वहीं पर जाते हैं और भाई मैं उस वाले अपार्टमेंट में चले जाता हूँ। और जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो भाई एक बंदा एकदम बॉट की तरह खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने जाता हूँ ना, तो भैया जी दे दनादन गोली चला देते और भाई क्या ही बचा मैं। अब इसको कहते हैं यू जेडआई जिंदाबाद। और इसके बाद यहाँ पर एक और बंदा बाकी होता भाई, जिसने मेरे जैसे कपड़े पहन रखे थे जैसे कि आपने देखा था, जिसको मैंने बग्घी की तरफ फायरिंग भी दिया था और वो ऊपर की तरफ आता। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है, फिर से यूजर्ड आई जिंदाबाद। और इसको यहाँ पर कैरी में नाटी करते हैं और भाई दूसरे वाले कमरे में ले जाते हैं और भाई देखते हैं कि शायद यहाँ पर कोई और इसका बंदा जिंदा हो तो आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। तो भाई यहाँ पर पेटी बना देते हैं इसकी भी। अब इन सब की पेटी बनाने के बाद मुझे लगता है ऐसे निकलने का टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत लूट शूट कर ही रहा होता हूँ और निकलने की तैयारी में होता हूँ कि इतनी में एक गाड़ी दिखती है और उसको मैं फायरिंग देता हूँ। अब तुमको क्या लग रहा है, हल्के में फायरिंग दे रहा हूँ, आगे बताऊँगा। अभी देखो अब फायरिंग तो दे देता हूँ लेकिन बंदे थोड़े निडर किस्म के होते हैं, वापस गाड़ी को घुमा करके मेरे पास आ जाते हैं और भाई यहाँ पर मेरी वाट लगते लगते बचती है लगभग। आगे देखो क्या होता है, फटाक से यहाँ पर आके टीपी भी लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भाई कोशिश करता हूँ कि शायद किसी को नेट से पेल पाऊँ, लेकिन फिर देखो आगे क्या होता है। अब इससे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन इसके बाद बंदे अंदर की तरफ ढाबा बोलते, फिर देखो क्या होता है। अब इन सभी के पास बैट ड्रॉप की गन थी, खैर इस बात को यहाँ पर हटाओ। अब आप सोच रहे होगे कि मैं अंदर जाकर के इस गिले सूट वाले को जैसे तैसे करके पेल क्यों नहीं देता। इसलिए नहीं पेल देता क्योंकि इसका एक और बंदा इसको कवर दे रहा था। हाँ तो अब थोड़ा सही मौका था उस गिले सूट वाले से पंगा लेने के लिए। तो देखो क्या होता है,
अब जैसे तैसे करके फटाफट करके भाई मैंने इन सबको यहाँ पर खत्म किया, लेकिन इतने में एक गाड़ी वाला भी यहाँ पर आ जाता है। मतलब शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर यहाँ पर भाई इनको यहाँ पर जो पेला उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना और कॉमेंट में बताना यार वीडियो कैसी लग रही है। और भाई अभी वीडियो के आखिर में ना एक भाई बहुत ही प्यारा सा नोबड़ा बंदा दिखाऊंगा जो कि देखने के बाद ना तुम्हें मजा आ जाएगा। खैर वो सब तो हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर एक बग्गी वाला भी आ जाता है। वो गाड़ी वाला क्या कम था जो ये बग्गी वाला भी आ गया। आगे देखो क्या होता है। अब मुझे लगता है इस खिड़की से आएगा और ऐसा ही होता है। इतने में मुझे इसके नेट खींचने की आवाज आती है तो फिर क्या मैं अंदर घुस जाता हूं, लेकिन पेटी नहीं बनती। आगे देखो। हाँ अब कुछ बनी बात। अब इस बंदे की यहाँ पर आम की पेटी बना देते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बूस्टअप वूस्टअप लगाते हैं। अब उस बंदे की बारी थी जो कि गाड़ी लेकर के यहाँ पर आया था। उसके फुटस्टेप मुझे आ रहे थे भाई टूटी हुई दीवार के पीछे से, तो भाई मुझे पता था कि वो वहीं कहीं बैठा है, तो मैं नेट करने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या होता है। अब नेट से तो भाई जैसे कि आपको पता है कोई उम्मीद नहीं थी, तो हम खुद ही आगे चल दिए, फिर देखो क्या होता है। अब पता नहीं ये बंदा क्या ही चाहता था। खैर यहाँ पर इसकी पेटी बना दी, इसको लूटा, बग्गी पकड़ी, सीधा ड्रॉप के पास गए और वहाँ पर मेरे को MG3 मिल जाती है। उसके बाद बग्गी को पकड़ के मटर कश्ती कर ही रहे होते हैं और भाई 8-9 बंदे बचे होते हैं और वो 8-9 किल ना भाई मेरे खाते में ही जाएगी। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मजा आएगा एकदम। और उसके बाद भाई आगे की तरफ दो सांप दिखते हैं कि क्या होता है, पत्थर के पास बंदे होते हैं, देखो फिर क्या होता है। मक्खन नॉकआउट किया, अब पेटी बनाता हूँ। हाँ दूसरे वाले की भी पेटी बनाता हूँ। अब चिंता मत करो, यहाँ से सारी के सारी किल मेरी है। और भाई यहाँ पर अभी मैं आपको एंड में क्यूट नूप भी दिखाऊंगा जो कि आप जरूर देखना। अब यहाँ पर मैं पेटी को लूट ही रहता हूँ, MG3 को रिलोड कर रहा होता हूँ कि सामने से एक और बंदा आ जाता है। आम की पेटी बनाता हूँ, वापस से लेट जाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर भाई मैं थोड़ा इधर उधर घूम ही रहा था कि भैया जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर तरफ घास ही घास है, तो भाई सांप के लिए एकदम अनुकूल माहौल बना हुआ है और यहाँ पर M249 लिया हुआ सांप हमें मिल जाता, तो देखो क्या। अब एक तो तुम सांप, ऊपर से तुमने M249 ले रखी है, तो क्या तुम रुकोगे? तो भाई यहाँ पर मैंने भी MG3 ली थी, तो भाई जो ही मुझे मौका मिला ना तो भाई मैं भी नहीं रुका, देख गदागद गोली चलाता रहा और भाई इसकी पेटी बना दी। और उसके बाद भाई आगे जाकर के ड्रॉप पे गोलियां लूटता हूँ थोड़ी सी और ऊपर की तरफ जाता हूँ पहाड़ की तरफ, और दो सांप वहाँ पर और लेटे हुए थे। अगला आगे वो रहा। अब देख रहे हो यहाँ पर भाई तमीज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई, सीधा बग्गी रोकी नीचे सांप, मतलब क्या ही यहाँ पर, मतलब सांपों का पूरा अड्डा बन रखा है। जहाँ भाई अब हरी घास होगी तो सांप तो मिलेंगे ही, तो खैर यहाँ पर भाई जैसे तैसे करके इनको लपेट देते हैं। अब यहाँ पर भाई कुल मिलाकर के भाई दो बंदे बचे थे, जिनमें से भाई मैं एक बंदे को यहाँ पर ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते सदियाँ बीत जाती है पर मिलता ही नहीं है, और जैसे तैसे करके भाई फिर मिलता है, तो देखो क्या होता है। अब मैंने तुम्हें यह दिखाया कि भाई मैं यहाँ पर आया, ये बंदा मुझे दिखा सांप बने हुए, मैंने इसको पेल दिया, पर भाई मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इसको ढूंढने में कितनी ज़्यादा मेहनत किया भाई, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके मिला और उसके यहाँ पर भाई काम तमाम कर दिया। अब एक बंदा बचा था जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं क्यूट नूब था। पहले तो मुझे लगा कि भाई बॉट भैया है, लेकिन भाई वो बॉट नहीं था, वो उन बंदों में से था जो कि भाई कुछ बंदे खेल रहे होते हैं ना तो अपने दोस्त यार को खिला लेते हैं जिसको खेलना नहीं आता, वो उनमें से था। तो देखो भाई इन्जॉय लो आगे क्या होता है। हाँ तो भाई ये वही क्यूट नूब है, पहले तो मुझे लगा कि भाई ऑफलाइन बनता, लेकिन एकदम से उठ खड़ा होता है। उसके बाद देखो भाई इसकी हरकतें। भाई ने पूरी जान लगा दी, लेकिन करना क्या चाहते थे मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा यार एक पल के लिए नेट से पेल करके देखता हूँ। और हाँ यहाँ पर मैंने नूब वाला जो साउंड इफेक्ट होता है ना वो लगा दिया, तुम चिंता मत करो, आगे देखो इंजॉय करो। गजब बेइज्जती है भाई, मैं इसको भी नेट से नहीं पेल पाया। अभी जिस तरीके से गोली चला रहा है ना, तो भाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे घास काटने वाली मशीन चला रहा है। खैर यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि चलो यार इसको पैन से मार के देखते हैं। अब ये एक जगह टिक ही नहीं रहा था जो इसको पैन से मारूं, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था, आगे देखो क्या होता है।
अब यहाँ पर दो बार ही मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन बच जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जूस लगाता हूँ और भाई उसके बाद सही मौका देखता हूँ और पेल देता हूँ। और इसी क्यूट नूप के मीठे आम की पेटी के साथ हमारे यहाँ पर हो जाता भाई बिनर बिनर मुर्गी डिनर। तो यार उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को लाइक कर दो, एक मिनट, चैनल को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना और वीडियो को लाइक करना। और भाई कॉमेंट में यार इस नूप के बारे में, मतलब क्यूट नूप के बारे में क्या लिखना है ज़रूर लिखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यार अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा, मेरी वॉइस ओवर पसंद आई होगी, गेम प्ले पसंद आया होगा या फिर यार फालतूबाजी पसंद आई होगी, कुछ भी पसंद आया होगा तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और इस गर्मी में वॉइस ओवर करना यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, तो यार इस मेहनत को समझो और ज़रा सहयोग दिखाओ अपना। और चलो यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो यार कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही। टाटा, सायोनारा, बाय बाय।